हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं स्वरूप सर जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड शासन व्यवस्था में आपका स्वागत करते हैं। छात्रगण, आज से जेपीएससी पीटी पेपर 2 जिससे सारे प्रश्न आपके झारखंड से रहेंगे और वो प्रश्न इतिहास, भूगोल के अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपदा, पर्यावरण, CNT SPT, खेलकूद, साहित्य के अलावा पर्यटन केंद्र, सारे चैप्टर से प्रश्न रहेंगे। उसी में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे और हाजिर हुए हैं। वो टॉपिक है झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड शासन व्यवस्था। छात्रगण, इस चैप्टर से लगभग 15 से 20 नंबर का प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि जेपीएससी पीटी पेपर 2 में इच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यहां पे इस चैप्टर से ये जेपीएससी पीटी पेपर 2 का पहला चैप्टर है। यद्यपि मैं जो पढ़ा रहा हूं जेपीएससी पीटी पेपर 2 उस नंबर का भले ही 21वां चैप्टर जरूर है, लेकिन देखा जाए आपके सिलेबस में ये जेपीएससी पीटी पेपर 2 में फर्स्ट में लिखा हुआ है झारखंड का इतिहास और उसमें से पढ़ना है आपको शासन व्यवस्था। छात्रगण, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर झारखंड इतिहास से रिलेटेड, और इस इतिहास के अंतर्गत आपको यहां पढ़ना है, सिलेबस दिया हुआ है झारखंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत। आपको सिलेबस में लिख दी गई है मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था लिखा हुआ है, पढ़ा शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। इस टॉपिक से कुल 14 मार्क्स का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इससे कम तो नहीं, संख्या अधिक भी हो सकती है। छात्रगण, आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे और मैं बता दूं इस चैप्टर में जो पढ़ाई करना है शासन व्यवस्था किनका, मुंडा शासन व्यवस्था, मतलब यहां पर मुंडा शासन व्यवस्था मुंडाओं की शासन व्यवस्था है। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो ये मुंडा जनजाति की ही शासन व्यवस्था है। नागवंशी शासन व्यवस्था किनकी है, नागवंशियों की है, नागवंशियों की ही है। पढ़ा किसकी है, तो उरांवों की शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन व्यवस्था कहते हैं, जबकि संथालों की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। तो यहां गौर करेंगे छात्रगण, प्रश्न ऐसे भी आता है कि उरांवों की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा पढ़ा शासन व्यवस्था, या पढ़ा शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो उसका उत्तर होगा उरांव की। इसके अलावा मांझी परगना शासन व्यवस्था किसकी है, तो ये संथालों की है। उसके अलावा आप ये भी देख लिए कि लिखा हुआ है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था,
छात्रगण आप गौर कीजिए, यहां लिखा हुआ था मुंडा शासन व्यवस्था मुंडाओं की, लेकिन यहां लिखा हुआ है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति की है? तो आपका ऑप्शन रहेगा संथाल, उराव, मुंडा, हो। तो इसका उत्तर होगा हो जनजाति। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। जबकि ढोकलो सोहर ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहलाती है। और जातीय पंचायत में इन छह को छोड़कर बाकी सदान, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सदानों की अपनी जाति के अनुसार, पेशे के अनुसार भी शासन व्यवस्था होती है, जिसे जातीय शासन व्यवस्था कहते हैं। छात्रगण, एक इंपॉर्टेंस चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं। याद कीजिए कि जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है वो मुख्य रूप से ग्राम स्तर से शुरू होती है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था मुंडाओं की है, नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी राजाओं की है, नागवंशियों की है, पढ़ा उराओं की है, मांझी परगना संथालों की है, मुंडा मान की हो की है, ढोकलो सोहर खड़िया की है। छात्रगण, जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के क्रियाकलाप का केंद्र उनके गांव से शुरुआत होती है। गांव से देखा जाए तो शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां इसी शासन व्यवस्था के तहत ही संचालित होती है। कौन कौन से नियम है समाज की, आर्थिक की, धर्म की, राजनीति की, कल्चर की, उस सारे केंद्र बिंदु जो है वो शासन व्यवस्था के तहत ही निहित है, या बोल सकते हैं शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही जनजातियों की सारी गतिविधियां संचालित की जाती है एक नियमों के अनुसार, एक नियम के तहत। छात्रगण, मैं बता दूं कि मुंडा शासन व्यवस्था जो मुंडाओं की शासन व्यवस्था है, वही मुंडा भारत की झारखंड की, मतलब झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति मुंडाओं की है, जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के अंतर्गत रखी जाती है। छात्रगण, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड एक प्रजाति है और उस प्रजाति में विभिन्न जनजातियों को रखी जाती है। सामान्य रूप से झारखंड की कुछ जनजातियों को छोड़कर लगभग सभी को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड्स समूह के अंतर्गत रखी जाती है और इन मुंडा को कोलोरियन समूह के नाम से भी जानी जाती है, जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी अपनी शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसके शुरुआत देखा जाए तो एक परिवार से होती है। जैसे मुंडा शासन, मुंडा लोगों की जो एक परिवार होती है उसे कहते हैं खूंट। खूंट मतलब होता है एक परिवार, एक खूंट का मतलब एक परिवार का, मतलब एक वंश का। और जब एक परिवार के द्वारा किसी जमीन को खेती के लायक बना दी जाती है तो उस जमीन को कहते हैं खुटकुट्टी। देखिए, खूट एक परिवार है,
एक वंश के लोग हैं उसमें हैं, और उस परिवार के द्वारा जो जमीन तैयार की जाती है खेती के लिए उसे खुटकुट्टी भूमि के नाम से पुकारी जाती है। और इस खुटकुट्टी भूमि पर जब पूरे परिवार का अधिकार होता है तो उसे खुट कुट्टी दार के नाम से पुकारी जाती है। खुट कुट्टी दार, ये खुट एक परिवार हुआ, खुट कुट्टी दार अर्थात जिस खुट को किसी खुट कुट्टी भूमि पर अधिकार होता है उसे खुट कुट्टीदार के नाम से पुकारी जाती है। तो छात्रगण आप यहां समझिए अंतर, खूंट एक परिवार, खुटकुट्टी एक तैयार किया गया जमीन, और जब उस खुटकुट्टी पर किसी परिवार का अधिकार होता है जिस परिवार का, उसे खुटकुट्टीदार के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण जब ये खूंट खुटकुट्टीदार का परिवार बड़ा हो गया तो वो गांव का रूप ले लिया, वो गांव बन गया। देखा जाए तो मुंडाओं की शासन व्यवस्था की शुरुआत उसके परिवार से माने जाती है, और बाद में वो गांव का रूप ले लिया है। मतलब देखा जाए तो शुरुआत तो हुई यहां जरूर से, लेकिन वास्तविक शुरुआत शासन की गांव से हुई है। गांव कब बना? जब खूंट का आकार बढ़ता गया तो एक गांव का रूप ले लिया। ऐसे में वास्तविक रूप से मुंडाओं की शासन व्यवस्था गांव से शुरुआत मानी जाती है, और यह गांव जब गांव बन गया तो सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक कल्चर को कैसे संचालित किया जाए, धीरे धीरे शासन व्यवस्था का पनपना आरंभ हुआ। ऐसे में गांव के जो प्रधान होते हैं उस गांव के प्रधान को कहते हैं मुंडा, मुंडा कहते हैं, उसे मुंडा के नाम से जानते हैं। और उस गांव में जो पंचायत होती है उस ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं, और उसी हातू के माध्यम से सारे नियमों को संचालित किया जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा ही कहते हैं। और उस ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? तो उसे हातू के नाम से पुकारी जाती है। और ये मुंडा अपने कार्यों को संचालित करने के लिए इसके सहायक के रूप में होते हैं पाहन और महतो, महतो होते हैं। देखा जाए तो मुंडा के अब्सेंस में पाहन ही सारे क्रियाकलापों को करता है, और यह पाहन देखा जाए तो पाहन एक धार्मिक अधिकारी के रूप में काम करता है। मतलब धर्म के मामले में सारा निर्णय, धर्म के मामले में कौन निर्णय देता है, पुजारी की तरह निर्णय कौन करता है, या कौन होता है पुजारी, तो उसका उत्तर होगा पाहन। या मुंडा के अब्सेंस में सारे कार्य को कौन करेगा? तो पाहन करेगा। यद्यपि पाहन भी अपने सहायता हेतु अन्य, उसकी सहायता हेतु भी कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति या अधिकारी होते हैं जिसे पुजार, पनभरा और महतो प्रमुख है। यद्यपि महतो गांव के सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? महतो। मुंडा के अपशिष्ट में सारा काम कौन करेगा? धर्म का सर्वोच्च व्यक्ति कौन? पाहन। और ये पाहन भी सहायता के लिए, इसकी सहायता हेतु पनभरा अलावा पुजार और महतो होते हैं।
इस पाहन को जो एक प्रकार से धारी प्रधान है, इन्हें जीवों को पादन हेतु लगान मुक्त भूमि विदाउट टैक्स वाली लैंड उनको दी जाती है, लगान मुक्त भूमि दी जाती है, और उस लगान मुक्त भूमि को बोलते हैं डाली कटारी। तो डाली कटारी नाम की भूमि जो लगान मुक्त होती है किसको दी जाती है, तो पाहन को दी जाती है। जबकि इन्हीं पाहन को पूजा के द्वारा, पूजा के माध्यम से भूत प्रेत अगर बचाने का काम किया जाता है तो उसके एवज में भी इनको भूमि मिलती है। उस भूमि को बोलते हैं भूत खेता, भूत खेता। देखिए, दो भूमि हुआ, पाहन को धार्मिक कार्य हेतु या उसके पूजा के या अन्य उपलक्ष में उनको भूमि दी जाती है जो लगान मुक्त होती है, उसे डाली कटारी के नाम से पुकारते हैं। और जब पाहन के द्वारा गांव के किसी व्यक्ति या गांव को भूत प्रेत से बचाने का काम किया जाता है तो उसे भी भूमि दी जाती है, उस भूमि को बोलते हैं भूत खेता, उसे भूत खेता के नाम से पुकारी जाती है। भूत खेता, उसे भूत खेता कहते हैं। छात्रगण, मुंडा जनजाति में शासन व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो इकाई है, जो एक प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और सर्वोच्च न्यायालय की भांति काम करता है, उस व्यवस्था को पढ़ा, उसे पढ़ा शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था की दूसरी और सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, तो उसका उत्तर होगा पढ़ा। और ये पढ़ा 12 से 20 गांवों को मिला के बनती है। 12 से 20 गांव जब बन जाएगी, जब एक 12 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनता है, और उसके प्रधान को पढ़ा राजा के नाम से पुकारी जाती है। पढ़ा राजा, उसे पढ़ा मतलब 12 से 20 गांवों को मिलाकर क्या बन गया, पढ़ा। और पढ़ा के शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा को क्या बोलते हैं, पढ़ा राजा। और इस पढ़ा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का सर्वोच्च स्थिति पढ़ा ही है। और इस पढ़ा स्थल, एक पढ़ा स्थल होती है और उस स्थल में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, उसे अखरा, अखरा, अखरा के नाम से पुकारी जाती है। देखा जाए तो पढ़ा जो राजा है, मतलब गांव में जो निर्णय मुंडा नहीं ले पाते हैं उसको पढ़ा राजा के अंतर्गत हस्तांतरित कर दी जाती है, जो एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की भांति काम करता है, जिसके राजा को पढ़ा राजा कहते हैं। और ये पढ़ा राजा 12 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनता है। यद्यपि पढ़ा राजा की सहायता के लिए भी ठाकुर, दीवान, पांडे, बरगदांज, लाल इत्यादि नामक अधिकारी होते हैं, जिसकी सहायता से पढ़ा राजा अपना सारा काम नियम पूर्वक संचालित करता है। यद्यपि मुंडा शासन व्यवस्था में कहीं कहीं, मैं बोल रहा हूं कहीं कहीं, कहीं कहीं कई पढ़ा को मिलाकर, लगभग 22 से 25 पढ़ा को मिलाकर भी एक शासन व्यवस्था बनती है, जिससे पढ़ा से, जिसे मुंडा शासन व्यवस्था में राज या उसे राजा कहते हैं। राजा मतलब मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत यद्यपि पढ़ा ही सर्वोच्च न्यायालय की भांति काम करता है, परंतु कहीं कहीं मुंडाओं में पढ़ा से भी ऊपर, पढ़ा से एक बड़ी इकाई
राज होती है, राज राज होती है, और जिसके प्रधान को पढ़ा राजा, जिसके प्रधान को राजा कहते हैं, और पढ़ा सर्वोच्च इकाई जो राज होती है, उस राज वो राज लगभग 22 पढ़ा को मिलाकर बनती है। यद्यपि वर्तमान में देखा जाए तो समान रूप से राज नामक इकाई देखने को नहीं मिलती, पढ़ा जो सेकंड सर्वोच्च इकाई है वही सुप्रीम कोर्ट की भांति काम करती है। छात्रगण मैं बता दूं कि मुंडा शासन व्यवस्था का जो आधार है, आप जब पढ़ेंगे तो मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही नागवंशी, पढ़ा, मांझी, मुंडा, ढोकलो, सोहर का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी की प्रशासनिक इकाई आपको दिखाई पड़ेगी। बस अंतर है कि उसे कहीं कहीं 2 से 3 इकाइयों में, 2 इकाइयों में, और उसका नाम का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बाकी लगभग अंतर कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था में भी उसके राजा को पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय, जबकि गांव के स्तर पर मुंडा ही प्रधान होता है, उसे मुंडा कहते हैं। नागवंशियों की देखा जाए तो नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही उसी शासन व्यवस्था को कायम रखा और उसी को और विस्तार कर दिया, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया। उसी प्रकार पढ़ा जो उरांव की है वो भी लगभग उसी की तरह दिखाई पड़ती है जैसा मुंडा और नागो में चलते आ रही थी। बस अंतर है कि वहां पर थोड़ा सा नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो छात्रगण आपको बेसिक रूप से अगर आप मुंडा शासन व्यवस्था का सारा कंसेप्ट आपने ले लिया तो कहीं ना कहीं लाभ अन्य शासन व्यवस्था में आपको परीक्षाओं में देगा। छात्रगण हम मुंडा शासन व्यवस्था की एक फिर चर्चा करेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही मुंडाओं की सारी क्रियाकलाप संचालित होती है। मुंडा जो भारत झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उनके परिवार को खूट कहते हैं, और जब उस परिवार के द्वारा कोई भूमि तैयार की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं छात्रगण? खुटकुट्टी। और जब परिवार, पूरे परिवार का उस खुटकुट्टी भूमि पर अधिकार होता है तो उसे खुटकुट्टीदार कहते हैं। और जब परिवार बड़ा हो गया तो गांव का रूप ले लिया। देखा जाए तो मुंडाओं शासन व्यवस्था की इकाई गांव से शुरुआत होती है वास्तविक रूप से, और उसमें गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं, और उस मुंडा के सहायता हेतु पाहन और महतो होते हैं, अर्थात मुंडा के अब्सेंस में सारे क्रियाकलाप पाहन होते हैं। यद्यपि पाहन एक धार्मिक क्रियाकलापों का प्रमुख होता है, यद्यपि पाहन भी, पाहन की सहायता के लिए भी पुजार, पनभरा महतो होता है, यद्यपि महतो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पाहन एक धार्मिक पुजारी होता है, ऐसे में उसे लगान मुक्त भूमि दी जाती है जिसे डाली कटारी के नाम से पुकारते हैं। यद्यपि उन्हीं पाहन को भूत प्रेतों से बचाने हेतु जो भूमि दी जाती है उसे भूतखेता के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण जब ये गांव जो एक फर्स्ट यूनिट है, प्रथम इकाई है शासन व्यवस्था की, उसकी दूसरी सर्वोच्च न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका का प्रधान जो दूसरा शासन का इकाई हुआ उसे पढ़ा कहते हैं, जिसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं, जो 12 से 20 गांवों को मिलाकर बनती है पढ़ा, जिसके प्रधान को बोलते हैं पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा देखा जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च इकाई है, उसके निर्णय को और कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि पढ़ा राजा भी अपनी सहायता हेतु लाल, पांडे, दीवान, बरकतगंज इत्यादि नामक अधिकारी रखता है। छात्रगण कहीं कहीं मुंडाओं में पढ़ा से भी ऊपर राज व्यवस्था देखने को मिलती है, राज नामक
तीसरी इकाई, जिसके राजा को, जिसके प्रधान को राजा कहते हैं। यद्यपि देखा जाए तो मुंडाओं की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पढ़ा और पढ़ा राजा ही होते हैं। इसी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का और विस्तार करने का काम कौन किया? नागवंशी शासन व्यवस्था। छात्रगण, हम चाहेंगे चूंकि आप मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में समझ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आज से नोट्स लिखना प्रारंभ कर दें और आपका नोट्स का हेडिंग होगा झारखंड इतिहास शासन व्यवस्था। हेडिंग दीजिए झारखंड इतिहास, ब्रैकेट में लिखिए शासन व्यवस्था, झारखंड इतिहास शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। इसमें लिखिए आप लोग फर्स्ट पॉइंट शासन व्यवस्था, इसमें लिखिए हेडिंग दीजिए झारखंड इतिहास शासन व्यवस्था और हेडिंग दीजिए मुंडा शासन व्यवस्था, हेडिंग दीजिए मुंडा शासन व्यवस्था, हेडिंग है मुंडा शासन व्यवस्था। लिखिए इसमें मुंडा वाले में जनजातियों की अपनी एक अलग सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक पहचान होती है। होती है इनकी यह अलग पहचान उनकी शासन व्यवस्था के तहत संचालित होती है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट यद्यपि भारत की अपनी कानून व्यवस्था और पंचायती राज लागू होने से जनजातियों की अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था लागू होने से जनजातियों की अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई है, फिर भी कमोवेश परिचालन में है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे अधिक जनजाति वाला जनसंख्या है।
जिसे कोलेरियन समूह, जिसे कोलेरियन ग्रुप, जिसे कोलेरियन, जिसे कोलेरियन समूह, कोलेरियन समूह तथा प्रजातीय दृष्टि से, तथा प्रजाति दृष्टि से मुंडा जनजाति को, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में रखा जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में रखा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट उसी का चल रहा है अभी, मुंडा का ही। सामान्य रूप से मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समान रूप से मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं, और इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, मुंडा जनजाति, अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि व्यवस्थाओं को नियंत्रित और संचालित करते हैं, तो छात्रगण अभी हम थोड़ा सा केवल आपको शासन व्यवस्था क्या है, मुंडाओं का शासन व्यवस्था का क्या रूप है, उस लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और शासन व्यवस्था का क्या रोल है मुंडा शासन व्यवस्था में, इसको मैं एक परिचय के रूप में आपको लिखाने का प्रयास किया। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में इसी मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, कि परिचय लिखने के बाद जो आप लिख चुके हैं, कि इसका शासन व्यवस्था कैसे एक खूट से, एक परिवार से शुरुआत होती है और कहां पे अंत होती है, हम इसी को नेक्स्ट क्लास में लेकर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।